गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 9 बज चुके हैं और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि सुपर टेट की क्लास। आप जानते हैं कि आपका नया टाइम शेड्यूल जो है ये 7 दिसंबर से अपडेट कर दिया गया है और 8 दिसंबर को आपने क्लास देख लिया था। 9 तारीख को आपका संडे हो गया था, है ना। 7 तारीख को भी आपका सैटरडे था, 8 तारीख को। तो आज हम उसके आगे स्टेप में चलेंगे। ये मान लीजिए कि आज आपकी सुपर टेट की पहली क्लास है, इतना मान के चलिएगा। और जल्दी से जल्दी हम सारा सिलेबस खत्म करवा देंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा है, बस इतना मानिए। बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे दशमलव है, भिन्न है, आयत है, क्षेत्रफल है और बेसिक आपकी ज्यामिति है, तो कुछ भी ज्यादा है नहीं। बस आपको एक बार कंठस्थ करके सभी क्लास को अटेंड कर लेना है, बाकी के परीक्षा निकल जाएगी, ये हमारी गारंटी है। जैसे कि आपने देखा होगा यूपीटीईटी में सभी लोगों ने मुकाम हासिल किया है और 100+ काफी हमारे जो पीवीआर स्टडी के मेंबर हैं सभी गए हैं, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 100 से कम है, बाकी के 100 के सब के सब के नंबर जो है वो 100+ है ना। चलिए आगे चलते हैं। दशमलव आपका एक चैप्टर आएगा, दशमलव इससे संबंधित सवाल। अब क्या क्या हो सकता है, हम बेसिक 0 लेवल से चलेंगे, उसके बाद सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ेंगे। देखिए, दशमलव पर आधारित आपसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, बिल्कुल छोटा छोटा ये सब चीजें पूछा जा सकता है। बाकी के दशमलव से संबंधित बहुत से और भी अलग टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हर टाइप के संभावित सवाल हम आपको बता देते हैं और आप लोग उसे रेडी कर लीजिएगा, फिर परीक्षा तो निकल जाएगी चुटकियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 3.59+0.001 का योग। योग मतलब सम, सम मतलब भाई जो जोड़ने पे आता है, होगा कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आज का टॉपिक क्या क्या है। दशमलव संख्याओं का जोड़, दशमलव संख्याओं का घटाना, दशमलव संख्याओं का गुणा एवं दशमलव संख्याओं का भाग, ये आज का हमारा टॉपिक है। हो सकता है आज आपकी क्लास थोड़ी छोटी हो, लेकिन ये क्लास आपकी फिर 40 मिनट से 45 मिनट की होने लगेगी, फिर कोई टेंशन नहीं होगा। सब कुछ क्लियर है, आगे चलें। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़। देखिए कैसे जोड़ते हैं, जो संख्या दी गई है पहले उसको लिख लेते हैं ऐसे चुपके से, दूसरी संख्या क्या करेंगे, दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगाएंगे, फिर दाहिनी साइड में क्या है, 0 0 फिर 1, तो 0 0 1। ध्यान रहे, गिनती के जस्ट नीचे सीधे सीधे पे गिनती होनी चाहिए। अगर आप आईडी गाड़ी लिख लेंगे ना तितर बितर करके तो गलत हो जाएगा। और बाई साइड में क्या है, 0 है, तो इधर भी 0 हो गया। और बाकी कुछ नहीं तो जोड़ लीजिए धन का चिन्ह लगा के। अब देखिए ध्यान से, तो एक के ऊपर कुछ भी नहीं है, ये अकेला सा है, तनहा सा, तो इसके ऊपर 0 रख देते हैं। कहते ना, जाके क्यों ना सहाय, ओके गणपत सहाय, है ना। 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे 9, और 5 में 0 तो 5, और ये दशमलव के नीचे दशमलव, 3 में 0 तो 3। अभी जो मैंने वर्ड बोला ना, अगर आप लोग सुल्तानपुर से बिलोंग करते होंगे तो आप समझ गए होंगे, है ना। कितना आया, 3.591। आपको ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, दशमलव संख्याओं के जोड़ और घटाने में कुछ भी नहीं है। आपको एक बात याद रखना है कि दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगाना है, बाकी सब आसान है। अगर आपने इतना गलती कर दिया छोटी सी, तो ये बहुत मुश्किल भी हो जाएगा। जितने आसान है ना उतने मुश्किल होता है अगर उलझ गए तो। कैसे, ये अगर इसी सवाल को किसी ने ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, 0 0 3 बार है ना, ये ऐसे 0 0 और ये 1, ऐसे लिख दिया मान लेते हैं, दशमलव ये लगा दिया, क्यों भाई सभी को बराबर में कर दिया, 3 3 बराबर बराबर हो गया, एक का दशमलव ये लगा दिया, एक का ये लगा दिया। अब जोड़ेंगे तो 9 1 10 हासिल है, 1 5 1 6 और 3, ये देखिए कितना आया। अब दशमलव आप कहाँ लगाएंगे, हवा में, यहाँ लगाएंगे कि यहाँ लगाएंगे, कन्फ्यूजन है, यहाँ भी लगा दो भाई, यहाँ भी लगा दो, सब गलत हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे, एक रूल से चलेंगे, दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगाना है, बाकी की ये नंबर खिसक के कहाँ जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात ना, एक सवाल और देखिएगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे अगर एक सवाल हम आपको और भी दे दें इसी क्रम में, तब आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिएगा।
और समझने की कोशिश तो जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए 0.93, इसमें जोड़ना है 0.0003, क्या जोड़ना है, तीन नहीं है सात है, ज्यादा अच्छा लग रहा है सात में, ठीक है सात। अब कैसे जोड़ेंगे, पहले जो नंबर लिखा है शुरू में उसको लिख लेंगे, 0.93 दशमलव है इसमें, दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगाएंगे, बाकी ये नंबर कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं, इधर साइड में तीन जीरो है दाहिनी साइड में, राइट साइड में, तो तीन जीरो लिखेंगे, दो अंक इधर है तो दो अंकों के नीचे एक एक जीरो लिखेंगे, ऐसे ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, तीन जीरो है ना तो भाई ये इतने में सब कंप्लीट कर देते हैं, ये सब गलत है, सब गलत है। ऊपर दो अंक है आपने, उन दोनों अंकों के नीचे चार अंक कैसे लिख लिया, लिखने के तो आप 15 अंक लिख सकते हैं, छोटा छोटा किच्ची किच्ची, बट सब गलत हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, दो अंक है तो इसके नीचे दो जीरो, बाकी का एक जीरो जो है इधर साइड में और एक इधर साथ, समझ में आया, ये तरीका अपनाना है, और फिर लंबी लाइन खींच देना है, इधर दशमलव के बाई साइड में एक जीरो था इसको भी लिख लो, अब इसके ऊपर कोई नहीं है तो जीरो लिख सकते हैं, बात समझ में आई, सात में जीरो जोड़ेंगे सात, जीरो में जीरो जीरो, तीन में जीरो तो तीन, नौ में जीरो तो ये नौ, दशमलव के नीचे दशमलव, ये आ गया जीरो, ये होता है जोड़ने और घटाने का तरीका, समझ में आया ना। अगर आप एक अंक के नीचे सबको घुसा देंगे ना, टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, सब गलत हो जाएगा, ध्यान रहे दशमलव के नीचे दशमलव और एक अंक के नीचे दूसरा अंक, सीधा सीधा साफ साफ दिखे कि बिना चश्मा लगाने वाले भी इसको समझ जाए, और मैं तो चश्मा जो लगाया हूँ ना, यहाँ बहुत सारी लाइट चल रही है, चमक रहा है, तो आंख भी बचाना है, इसलिए ये सब इतना लगाया है, तो ये इसका उत्तर हो गया, समझ में आ गई बात ना। तो अगर समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में एक और देख लेते हैं। देखिए ये जोड़ने की सारी कहानी हो गई, अब हम चलते हैं घटाने पर, ध्यान दीजिएगा कैसे घटाएंगे, गौर से समझिएगा। देखिए 92.57 -1.47 ये है ना, इसको क्या करना है, घटा लेना है, सिंपल सा इसको घटा लेना है, कैसे घटाएंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए जो पहला नंबर लिखा है उसको पूरा का पूरा वैसे लिख लेंगे, ये पहला क्या लिखा है 92.57 लिख लिया, अब क्या करेंगे, सिंपल में दूसरा अंक लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव लगा के, तो दशमलव के नीचे ये दशमलव हो गया, इसके दाहिनी साइड में है 4 और फिर है 7 और बाई साइड में क्या है 1, ये हो गया 1, ये 9 के नीचे कुछ नहीं ना, तो इसको कुछ मत करिए, बट आप ये मत करिएगा, इसको ये तरीका मत अपनाइएगा, ये वाला तरीका ना अपनाइएगा, ये कि बराबर कर लो भाई, बराबर मत करिएगा, समझ रहे हैं ना, दशमलव यहाँ नहीं यहाँ है, ऐसे बिल्कुल मत लिखिएगा, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ध्यान रहे, ठीक समझ गए ना, आगे चले, किसी भी तरफ आपको अंक बराबर नहीं करना है, दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगाना है, सात में से अब क्या करेंगे, सात घटाएंगे जीरो है ना, पांच में से चार गए एक, दशमलव के नीचे दशमलव, दो में से एक गए एक और नौ, इस तरह से आपका 91.10 आ गया, कितना आया 91.10 है ना, ये चुर्र खर्र कर रहा है, इसको मैं रख ही देता हूँ माइक्रोफोन। प्रिय मित्रों ये तो बहुत आसान था जो आपने देखा, ठीक है, लेकिन अब देखिए कुछ एक अजीब टाइप का, ये क्या है, दशमलव संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, ध्यान दीजिएगा ये बिल्कुल अलग है, सबसे अलग सबसे जुदा, ध्यान दीजिएगा, घटाने में जोड़ने में सेम टू सेम कुछ नहीं करना होता है, जैसे रहता है वैसे का वैसे छाप लेना होता है, लेकिन गुणा में कुछ करना होता है, और वो क्या, दशमलव का बहुत बड़ा हेर फेर होता है, अगर हमें 0.1 का गुणा करना है 0.1 में, तो ध्यान दीजिएगा पहले तो नंबर नंबर का गुणा कर लेते हैं, एक का एक में गुणा करेंगे तो आपका आ गया एक, बट इतने से काम नहीं चलता है, देखते हैं दशमलव यहाँ एक अंक पर है, यहाँ पर भी क्या है एक अंक पर है, जुड़ जाता है, एक अंक ये एक अंक ये, दो अंक पर दशमलव होगा और यहाँ पर दो अंक है नहीं, तो एक अंक हम जीरो लगा के बना लेंगे और इस तरह से इसका उत्तर 0.01 हो जाएगा, है ना,
बात समझ में आई? तो ये थी एक बात पते की। और दूसरा देखिएगा और इसका जवाब दे दीजिएगा जो साइड में लिखा है। अगर 0.232 का गुणा करना है 0.3 में, ध्यान दीजिएगा, अब कैसे करेंगे? पहले तो आपको आंख बंद करके गुणा कर लेना है, गिनती गिनती का दशमलव को भूल जाना है। तो 2 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब क्या करना है, दशमलव को याद कर लेना है कि दशमलव था, है ना? अब देखना है कितने अंक पर दशमलव था। यहां पर 1 अंक पर है, यहां पर 1 2 अंक पर है ना, 3 अंक पर हुआ ना टोटल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 अंक, यहां पर 2 अंक, कितना अंक हुआ? 3 अंक हुआ। तो आपको यहां पर 3 अंक पर डेसिमल लगाना है, बट यहां 3 अंक है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें 0 बढ़ा के 3 अंक बनाएंगे। तो चलिए 2 0 बढ़ा दिए, 3 अंक हो गया ना, सारा गड़बड़ हो गया, सत्यानाश हो गया अगर ऐसे कर लिया तो। अरे 6 की जगह पर 600 हो गया, ये बहुत बड़ी अंधेर हो गई भाई, ऐसे हो नहीं सकता है। तो 6 की जगह पर 600 नहीं हो सकता है, ये 6 ऐसे का ऐसे रहेगा। 2 0 हम बढ़ाएंगे लेकिन अगले को कोई फर्क भी ना पड़े, कहने का मतलब अपना काम भी बन जाए और पड़ोसी को बुरा भी ना लगे। तो इसके लिए 0 में इधर बढ़ाएंगे, अब कोई गड़बड़ हुआ नहीं ना, बात समझ में आई? ये 6 था, 6 ही अभी भी है, इसको 6 ही पढ़ेंगे, समझ में आया ना? तो अब यहां पर लगा दीजिए चुपके से दशमलव, इस तरह से इसका उत्तर हो गया 0.006। 3 अंक पर दशमलव क्यों लगा? क्योंकि 2 अंक पर यहां था और 1 अंक पर यहां था, बात समझ में आई? अगर कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं। अगर आप ये पॉइंट समझ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो बड़े प्यार से दे देंगे, जल्दी से बता दें कितना आएगा। हो गया, आगे बढ़े। सभी लोग बता दिए होंगे, जिन लोगों ने अभी तक कोशिश नहीं किया ना उनसे मैं बोलना चाहता हूं, तेरे गिरने में हार नहीं तो इंसान है अवतार नहीं, उठ गिर और फिर भाग, क्योंकि जीत असीमित है, इसका कोई सार नहीं। मतलब समझ रहे ना? तो हारने में कोई बुराई नहीं है लेकिन जीतने के लिए कोशिश ना करना ये बहुत बड़ी बुराई है। इसका उत्तर आप लोग सभी लोग बता दिए होंगे, 0.09 और 0.00009 और 0.090 और 0.90083, कुछ भी लिख दीजिए, गलत तो करना ही है ये आप सब, समझ गए ना? तो गुणा कर लीजिए चुपके से, जो भी दिया गया है सिंपल में वैसे का वैसे। 3 का 3 में गुणा हुआ हो गया 9, दशमलव कितना अंक पे होगा? 3 अंक पर यहाँ लगा है, 1 अंक पर यहाँ लगा है। अंक कैसे गिनते हैं? पीछे से गिनते हैं, बैक साइड से, इधर से 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर 1 3 अंक, ये 1 अंक के 4 अंक पर दशमलव होगा। यहाँ पर हम 3 0 बढ़ा लेंगे अगर 4 अंक नहीं है तो। आप देखिए ये 4 अंक हो गया, यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए, बुंदा लगा दीजिए, हो गया दशमलव। ये था दशमलव संख्याओं का जोड़ गुणा और घटाना, मतलब कि इसे सीरियल में बोलूं तो जोड़ घटाना गुणा। लेकिन यहीं पर नहीं रुकना है, हम पहुंच जाएंगे भाग तक और तब भागेंगे इस क्लास से, ठीक है? दशमलव संख्याओं का भाग, आप देखिएगा दशमलव संख्याओं का भाग, ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में पूरा रहिएगा। देखिए भाग भी आपके सामने आ चुका है, ये बिल्कुल गुणा का उल्टा होता है। कैसे? 0.06 में 0.02 से भाग करना है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले हम लिख लेंगे 0.06 भाग करना है, मतलब नीचे से है ना, ये ऐसे। अब क्या है देखिए, यहाँ पर 1 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है, तो 2 अंक ऊपर 1 अंक नीचे ना जुड़ेगा नहीं, घटेगा, क्या होगा? घटेगा। तो 2 अंक पर दशमलव था ऊपर नीचे 1 अंक पर, तो अब घट के ऊपर 1 अंक पर दशमलव हो जाएगा और नीचे का दशमलव खत्म हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, ऊपर का दशमलव हटाने के लिए ये 6 ऐसे लिख लेंगे, नीचे जो आपका लिखा है ना 2 2 लिखा है ना, इसमें 10 से गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव ऊपर था, तो ऊपर का दशमलव हटेगा, नीचे 1 अंक क्या होगा, 10 से गुणा हो जाएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके ऊपर नीचे दोनों में 10 से गुणा करें, यही होता है मेन रूल, है ना? तो
तो पूरा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? अरे भाई ये 6, 0.6 में पूरा हो जाएगा, समझ गए? तो ये आपका हो जाएगा 60 और ये आपका हो जाएगा 20। एक अंक पर ऊपर दशमलव लग जाएगा, कुल मिलाकर ऊपर हो गया 6, नीचे 20। इसे काट देंगे तो 2 3 6 2 2 20, कुल मिलाकर के 3/10 आ गया। ये भी ना आपकी कितना आया? 3/10 इक्वल ये हो गया 3/10। अगर इसे दशमलव में बदले तो 0.3 ये हो जाएगा आपका उत्तर और आप हो जाएंगे फ्री। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ध्यान दीजिएगा और वेट करिएगा, प्रत्येक दिन शिक्षक भर्ती परीक्षा की मैथ का जो आपका सेकंड बैच होता है वो सुबह 9 बजे से होता है। इसके लिए आपकी 2 बैच चल रही है, 2 क्लास चल रही है, तो दोनों क्लास में देखिएगा या फिर एक क्लास में जो भी आपको मिले। अगर आपने पेड़ की क्लास को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो 9793488448 पर JOIN ज्वाइन लिखकर भेजें और क्लास को ज्वाइन अवश्य करें, जिससे कि आप हर एक क्लास को देख सकें। वरना कि जो भी क्लासें पेमेंट की होती है, पेड होती है, वो अनलिस्टेड होती है, तो आप तक नहीं पहुंचेंगी और आपका भारी नुकसान हो जाएगा। तो एक थोड़ा सा अमाउंट पेड करके सभी क्लासों का आनंद लें। धन्यवाद। और याद रहे, इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और लाइक करिएगा, ये तो आपका कर्तव्य होता है।